दोस्तों, जब हम रात में आसमान में देखते हैं कि टूटता हुआ तारा हमें नजर आता है, दरअसल वो एस्ट्रॉइड होते हैं। हर रोज कई उल्कापिंड हमारी धरती के नजदीक से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों, हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये NEO की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी धरती के करीब से होकर जाने वाले एस्ट्रॉइड की लिस्ट है कि आज 5 अक्टूबर को कौन कौन से उल्कापिंड है जो हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेंगे। उसमें से यहाँ पर देख सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी है जो सबसे कम दूरी से गुजरने वाला है, वो है 2024 SY5 नाम का यह उल्कापिंड है। और यहां पर देख सकते हो इसकी जो रफ्तार है, स्पीड है, वो 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये गुजरेगा हमारी धरती के करीब से। और यहां पर देख सकते हो इसका जो डायमीटर है वो है 6 मीटर से लेकर 15 मीटर तक यह उल्कापिंड बड़ा है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑर्बिट पीरियड को। इसके ऑर्बिट पीरियड को ओपन करेंगे हम यहां पर देखेंगे कि शो ऑर्बिट, और यहां पर ये है इसका ऑर्बिट पीरियड। ये हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम ओपन हो चुका है। और इसमें यहाँ ब्लू कलर की लाइन में देख सकते हैं कि ये है हमारे अर्थ का ऑर्बिट पीरियड, और वाइट कलर का जो ऑर्बिट पीरियड है ये है इस उल्कापिंड का ऑर्बिट पीरियड। तो यहाँ पर हम रफ्तार आवर पे कर देते हैं, 1 घंटे की रफ्तार से शो होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये हमारे धरती से आगे बढ़ते हुए ये धरती के करीब से गुजरेगा। देखिए इस ग्राफ को कि ये धीरे धीरे अपने अक्ष पर आगे बढ़ रहा है। ब्लू कलर की लाइन में हमारी धरती आगे बढ़ रही है, और ये SY5 नाम का यह उल्का पिंड है जो ये आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हमारी धरती से इसकी दूरी कम हो रही है। और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो हमारी धरती के बेहद ज़्यादा नज़दीक से होकर यह उल्का पिंड है वो गुजरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ये देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है, यहाँ आपने देखा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर से ये बिल्कुल हमारी धरती के ऑर्बिट को नज़दीक से क्रॉस करेगा। तो ये है इस उल्कापिंड का आज का ऑर्बिट पीरियड जो ये हमारी धरती के इतनी नज़दीक से होकर इसे क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों, हर रोज ऐसे कई उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती के नज़दीक से होकर के गुजरते हैं जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर इस वेबसाइट पर अपलोड होती है। और वही मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ कि अलग अलग उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती के नज़दीक से होकर गुजरते रहते हैं, उन्हीं उल्कापिंड के बारे में आपको रोज़ अपडेट करता हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं एक